अगर कोई यहाँ पे रुकता है तो ये रूम उनको मिलेंगे और उसके सामने ये वाला व्यू उनको मिलेगा। पंडित और राजपूत ही जा सकते हैं, सिर्फ और नहीं जा सकते कास्ट के। और उसमें भी कंडीशन ये होगी कि आउटसाइडर जो हैं वो अलाउ नहीं है, जैसे मलाना में होता है ना भी आउटसाइडर अलाउ नहीं है, टच नहीं कर सकते, वही नियम लगभग यहाँ पे होते हैं। मलाना किधर की तरफ पड़ता है, वो पहाड़ की तरफ साइड वाले रूट से जा रही है जिसमें ये लोकल विलेज को कवर करते हुए जाएगी। आर्किटेक्चर है हिमालयन और ब्रिटिश आर्किटेक्चर का। 150 रुपये लगे वहाँ पे आने में, जाने में और म्यूजियम की टिकट में। हाँ जी, आई एम पवनदीप मान, नई वीडियो और नए सफ़र में आपका स्वागत है। तो आज अपने जा रहे हैं नगर और रूमसू की तरफ। पहले मेरा इनिशियल प्लान था भी हम स्कूटी रेंट करेंगे और फिर जाएंगे, पर कल स्कूटी रेंट की और बारिश बहुत ज़्यादा होगी, इतनी ठंड लगी, तो आज भाई बस से ही जाने का प्लान है। तो मेरे को हॉस्टल में ये मिले हैं। हेलो। हेलो, आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू टू माई ऑडियंस। आई सी, या हेलो ऑडियंस। तो ये अमेरिका से हैं, ये भी सोलो ही थे, तो इन्होंने आज ज्वाइन कर लिया। और वो भाई अपने हैं, उनको पहले इंट्रोड्यूस कर ही दिया था जापान से, वो भी हॉस्टल में मिले थे। सो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट योर एडवेंचर दैट यू केम फ्रॉम लेह टू मनाली बाय हिच हाइकिंग। Yeah. Oh yes. Yeah, it's a great adventure. Like it was an adventure. Yeah, it is inspiring for me as well that I can hitchhike from Manali to Leh. Yeah. Be sure to leave much time. Yeah. A lot of time. Yeah, we need time. Yeah. तो ये लेह से मनाली हिच हाइक करके आ रहे हैं और इनको 3 दिन लगा। तो मतलब इस एज पे मतलब ऐसी हिच हाइकिंग वगैरह करना और ऐसा एडवेंचर करना बड़ा एक मैं इनक्रेजिंग काम मानता हूँ कि साहसिक कार्य है ये। और अभी हम माल रोड से थोड़ा आगे हॉस्टल से आए हैं, पहले तो इतनी दूर, और अभी माल रोड से हम बस स्टैंड की तरफ आ चुके हैं HRTC का। यहाँ से नगर के लिए एक लोकल बस पकड़ेंगे, यहाँ से 35 किलोमीटर के आसपास है, तो 1 घंटे के आसपास लगना चाहिए। और देखते हैं ये जो है अपने पीछे मनाली का जो लोकल बस स्टैंड है वो नगर सिटी के अंदर जाएगी या नहीं जाएगी। ओके, थैंक यू। दिस वन, यस। ये लोकल बस है, HRTC की बस नहीं है, तो ये मेन हाईवे से होके नहीं जाएगी, ये साइड वाले रूट से जा रही है जिसमें ये लोकल विलेज को कवर करते हुए जाएगी। तो ऑलमोस्ट लोकली इसमें ट्रैवल कर रहे हैं, हर मतलब 5-10 किलोमीटर बाद ये रुक रही है। तो नगर अपने पहुंच चुके हैं और रूट बहुत ज़्यादा सुंदर था भाई, हाईवे वाला रूट तो मत लेना, ये वाला ही लेना, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। अभी पहले कैसल की तरफ चलते हैं। नगर कैसल की एंट्रेंस है और अपने को 50 रुपए की टिकट पड़ी है, और ये इंडियंस और फॉरेनर सारों के लिए 50 रुपए ही है। और ये सुबह 9 बजे से लेके 6 बजे तक खुला रहता है, और जब कुल्लू किंगडम का ये पुरानी जो राजधानी होती थी नगर, इसलिए यहाँ पे राजा ने यहाँ पे कैसल बनवाया था, ये वाला है। तो अपने एक्सप्लोर करेंगे, एंट्रेंस ही बड़ी शानदार है, इसकी बढ़िया आर्किटेक्चर तो है ही। ये कैसल है जो ये बहुत ज़्यादा पुराना कैसल है, लगभग 500 साल से ज़्यादा पुराना है, और इसे कुल्लू के राजा सिद्ध सिंह के द्वारा बनवाया गया था। और इसका आर्किटेक्चर भाई बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, इसको बनाया गया जो काठकुनी आर्किटेक्चर में बनाया गया, मतलब कि स्टोन का यूज़ करके, फिर लकड़ी का यूज़ करके, फिर स्टोन, फिर लकड़ी, ऐसे यूज़ करके जो ये जो आर्किटेक्चर है यहाँ का ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है। और ये काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक प्रूफ होता है, तो इसको मतलब कैसल को आपने कह सकते हैं कि एक तरह से अर्थक्वेक प्रूफ है, और इतने सारे अर्थक्वेक आए हैं यहाँ पर इसको कुछ नहीं हुआ। और वैसे तो अभी जो है ये इसको होटल में बदल दिया गया है, तो अभी ये जो कैसल है इसमें अपने रुक भी सकते हैं, हेरिटेज होटल है, यहाँ पे रुकने का जो मिनिमम किराया है वो 1400 रुपये से स्टार्ट हो जाता है और अप टू ये 4000 तक के आसपास जाता है। तो अगर कोई रुकना चाहता है तो यहाँ पे रुकने का एक्सपीरियंस ले सकता है। कैसल बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और यहाँ से इतने ज़बरदस्त व्यूज़ आ रहे हैं अपने को, मतलब कि आगे सारी वैली के और सारे व्यूज़ दिखते हैं। और इसके यहाँ पे थोड़ा सा आगे की तरफ आते हैं तो ये अपने रुकने का रेजिडेंस एरिया, अगर कोई यहाँ पे रुकता है तो ये रूम उनको मिलेंगे और उसके सामने ये वाला व्यू उनको मिलेगा। और इस कैसल में जब वी मेट मूवी का एक गाना भी शूट हुआ था, तो उस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अपने जैपनीज़ भाई का रिव्यू लेते हैं। सो हाउ वुड यू लाइक टू रेट दिस ब्यूटीफुल कैसल? 100 out of 10. 100 yes. out of 10. It's so much. So much. And so beautiful. I mean, the architecture is great, but also the view from here is very nice. यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह भी बना हुआ है, अगर कोई खाना पीना चाहे तो वो भी खा सकता है। और इस जो कैसल में ब्रिटिशर्स ने भी हम मतलब रूल किया था, तो उन्होंने अपनी भी कुछ चीज़ें जैसे चिमनी और स्टेयर केस वगैरह ऐड किए हैं। तो अभी अपने इसको कह सकते हैं कि ये एक मिक्स आर्किटेक्चर है हिमालयन और ब्रिटिश आर्किटेक्चर का।
कैसल घूम लिया, कैसल बहुत ज़्यादा अच्छा था। अभी त्रिपुरा सुंदरी मंदिर की तरफ जा रहे हैं, मैं अभी अंदर जाके आया था तो यहाँ पे कोई फंक्शन वगैरह चल रहा है और यहाँ पे सत्संग भी लगी हुई है। ये जो त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल है ये पगोड़ा शैली में बना हुआ है और काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। अपने कैसल से फिर सिर्फ 5 मिनट की वॉक पे है और यहाँ पे त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल में एक यूनिक मतलब कि ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है। मतलब एवरी वैसाखी जो भी वैसाखी आती है ना तो यहाँ पे गांव के लोग जितने भी मतलब डेड बॉडीज़ के कफन होते हैं ना वो इधर लेके आते हैं और माना जाता है कि वो जो देवी है वो एज ए क्लोथ अपने मतलब कपड़ों की तरह यूज़ करती हैं। तो ये यहाँ का यूनिक ट्रेडिशन है। और इसके आगे जहाँ हम जा रहे हैं रूमसू की तरफ, वहाँ पे तो हार्डली कोई जाता है। तो रूमसू का रास्ता मैंने यहाँ से पूछा है तो दो रास्ते हैं, या तो अपने बस से जा सकते हैं पर बस की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा कम है, अभी कोई बस आएगी तो हम बस में चले जाएंगे वरना हम पैदल ही चले जाएंगे। पैदल अगर जाते हैं तो 1 घंटे के आसपास का रास्ता बताया गाँव वालों ने। नमस्ते भाई जी, छोड़ दोगे रूमसू तक इसको? आप दोनों आ रहे हो, तीन लोगे? हाँ जी। रूमसू विलेज जो है वो नगर से 5 किलोमीटर दूर पड़ जाता है और अगर अपने जाते हैं पैदल तो 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम लग जाता है। और हम थोड़ा सा आगे की तरफ आए थे और हमने मतलब लोगों से बात की और हमें पता लगा भी यहाँ से शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट जाते हैं तो वो पूरा एकदम स्टीप चढ़ाई होती है भाई जी। शॉर्टकट से तो वो कितना 15-20 मिनट लगते होंगे ना? हार्डली, हाँ तो शॉर्टकट से 15-20 मिनट लगते हैं और अगर अपने पैदल जाते हैं तो लगभग 1 घंटे के आसपास टाइम लग जाता है। पर लकीली हमें लिफ्ट मिल गई और थैंक्स टू हिम, इन्होंने मतलब लिफ्ट मांगी और अभी रूमसू की तरफ जो रास्ता है वो आसान हो गया। वैसे बस भी जाती होगी ना भाई जी? शाम को 5 बजे जाती है। 5:30 ओके ओके, एक ही बस है उधर के लिए? एक बस, तो गांव में एक ही बस आती है, वो 5:30 बजे आती है और जाने का इधर से सुबह जाती निकलती होगी ना? 9 बजे। ओके, सुबह 9 बजे बस निकल जाती है। उन भाई जी ने हमको यहाँ पे एकदम गांव के पास में छोड़ दिया और उनका भी यहाँ से गांव के लिए आपको थोड़ा 2 मिनट की वॉक करनी पड़ेगी। और गांव के अंदर आते ही भाई सरप्राइज ही कर दिया इस गांव ने। तो मतलब भाई यहाँ से देखने को पता लग रहा है बहुत ज़्यादा सुंदर है, ये सुंदर पुराने पेड़ हैं और सामने जो मंदिर और वो सारा एरिया। ये रूमसू गांव का जो मेन एरिया है टेंपल एरिया, यहाँ पे जैसे इधर देवता जमलू जी का टेंपल है और एक इधर एक और टेंपल है, तो कई सारे टेंपल है यहाँ पे। आउटसाइडर जो हैं वो अलाउ नहीं है, जैसे मलाना में होता है ना भी आउटसाइडर अलाउ नहीं है, टच नहीं कर सकते, वही नियम लगभग यहाँ पे होते हैं। तो ये देवता जमलू जी का है, तो ये यहाँ पे भाई साहब हैं जो ये यहाँ पे मंदिर के पास बैठे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे टच नहीं कर सकता, मैं इधर हाथ नहीं लगा सकता ना। कैसे मंदिर है? देवते का मंदिर। ओके, जमलू देवते का मंदिर है। हाँ, तो हम इसके अंदर नहीं आ सकते ना? नहीं, आप ही जा सकते हैं। हाँ। तो मतलब सारे गांव वाले अंदर जा सकते हैं या कुछ मतलब जैसे राजपूत या पंडित जा सकते हैं, वैसे ही जा सकते हैं? और ही में और ये बोल रहे हैं सारे गांव वाले जा सकते हैं या फिर जैसे कुछ नहीं जा सकते, मतलब अपर कास्ट वाले जा सकते? तो कौन कौन से, जैसे पंडित और नहीं, ये लगता है चमड़े का पर ये चमड़े का नहीं, ये तो प्लास्टिक है। हाँ नहीं, इसके अंदर अब इसके अंदर नहीं, अगर मैं ये उतार दूँ तो मैं अंदर आ सकता हूँ? नहीं नहीं, छूट सकते हैं जातियाँ, अगर राजपूत होंगे तो। अच्छा, कुछ जैसे आप बता रहे कुछ राजपूत और पंडित होगा तो वो जा सकता है, पंडित और राजपूत जा सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर अपने फिर भी चप्पल ओके ऐसी चीजें नहीं चाहिए, पर्स ओके चमड़े का ना ओके कुछ चीजें। ठीक है ठीक है, तो मतलब ये बता रहे हैं भी अपने गांव के अंदर मतलब मंदिर के अंदर जा सकते हैं अगर आप राजपूत हैं और पंडित हैं तो पंडित और राजपूत ही जा सकते हैं सिर्फ। हाँ। और नहीं जा सकते कास्ट के, और उसमें भी कंडीशन ये होगी कि अपने पास कोई भी चमड़े की चीज है वो नहीं होनी चाहिए, चमड़े का नहीं होना चाहिए। ओके, तो जैसे आपको जैसे मलाना में होता है अभी गांव वालों को हाथ नहीं लगा सकते, आपको तो इधर इतना स्ट्रिक्ट तो नहीं है मेरे को लगता है ना? नहीं, वैसे ही है ना, ऐसे तो मारने पे भी रहो। नहीं, जैसे गांव वालों को तो हाथ लगा सकते हैं ना अपने? ओके, तो इस एरिया में ये रूल है या और भी मतलब गाँव में दूसरे मंदिर है उनको भी नहीं टच कर सकते अपने? उनको भी नहीं कर सकते? ओके, अलाउ नहीं है। हाँ, वो बोर्ड मैंने पढ़ा उधर लिखा हुआ है अलाउ नहीं है, 1000 रुपये का जुर्माना। हाँ जी हाँ जी।
भी एक गांव के अपने को दादाजी मिले हैं, ये थोड़ा गांव के बारे में आप बताइए भी। घर जो है ये अभी तो आजकल तो नए घर बनाने लग गए ना इधर, तो कंक्रीट के बन रहे हैं ना। कंक्रीट ये तो आज से कोई 25-30 साल पहले ऐसे ही बनने चाहिए। तो आपको कैसे घर में रहना पसंद है, मतलब ऐसे लकड़ी के और जो अपना ट्रेडिशनल हाउस है उसमें या फिर कंक्रीट वाले में? वैसे तो लकड़ी के घर में बस अच्छा लगता है। हाँ जी, लकड़ी के घर में अच्छा, पर वो अभी बनाना भी मुश्किल है। अभी मेरे को लगता है गवर्नमेंट ने लकड़ी का भी बैन कर दिया ना, बैन कर दिया, प्रतिबंध लगाया है। हाँ। बना नहीं सकते हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने जो जंगल से जंगली लकड़ी काटना वो बैन कर दिया, इसलिए नया घर जो है बनाना मुश्किल भी हो चुका है। ये जैसे लोकल घर है यहाँ के ट्रेडिशनल, जैसे फर्स्ट स्टोरी होती है जो पहली मंजिल है उसमें अपने रह नहीं सकते, उसमें सिर्फ जैसे लकड़ी वगैरह या अपने पशु वगैरह होते हैं। दूसरी मंजिल में लगभग रहने का होता है यहाँ पे। तो अगर आपको मतलब एक्सपीरियंस करना है काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक यूनिक विलेज और आप कसोल या पार्वती वैली से अलावा कुछ देखना चाहते हैं तो रुंगसू में आइए। यहाँ पे टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है नहीं अभी, तो बहुत कम लोग इस गांव के बारे में जानते हैं, पर ये गांव भी बहुत ज़्यादा यूनिक और ज़बरदस्त गांव है। लोगों ने इधर मतलब ब्रोकली वगैरह और खेती वगैरह की हुई है जैसे येरी, और यहाँ पर ऐसी चीज़ें भी अपने को बहुत सारी देखने को मिल जाती हैं, जैसे ये मैरुआना हो गया। तो यहाँ से वैसे ना मलाना के लिए ट्रैक भी हो जाता है, ये उसी बेल्ट में आता है ना, तो मलाना के लिए यहाँ पे ट्रैक भी होता है। चंद्रखानी पास को क्रॉस करके जाना पड़ता है। मलाना किधर की तरफ पड़ता है, वो पहाड़ की तरफ? मलाना वो साइड अच्छा, इधर वो पीछे, वो पीछे वाले उधर वाले पहाड़ के ऊपर, और चंद्रखानी पास उधर क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो अभी गाँव वाले जाते हैं उधर? हाँ जाते हैं। कितना टाइम लग जाता होगा? देख देख के अपने पर चढ़ने पर डिपेंड है। जैसे गाँव वाले चलते हैं, जैसे गांव वाले हैं वो कितने टाइम में पहुंच जाते हैं? 6 घंटे में पहुंचेंगे। 6 घंटे में? 6 घंटे। तो हमारे जैसे को जाना होगा तो कितना टाइम लगेगा? आपको 8 घंटे रखो। 8 नहीं, ज़्यादा लग जाएगा मेरे को लगता है। गांव में काफ़ी ज़्यादा मंदिर है, यहाँ पे एक और मंदिर के पास आए हैं। ये मंदिर का क्या नाम है जी? शुभ नारायण का मंदिर, शुभ नारायण देवता जी का। और इसके पास में ये वाला मंदिर, एक और यहाँ पे पास में एक और मंदिर है, ये किन का मंदिर है? शुभ नारायण जी का। तो गांव के जैसे देवता तो जमलू देवता जी हैं? जमलू नहीं नहीं, यहाँ स्थानीय किशोर नारायण है। स्थानीय देवता किशोर नारायण जी? शुभ 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 नारायण जी, शुभ। ओके, ये यहाँ के मतलब स्थानीय देवता शुभ नारायण जी हैं, उनका मंदिर है। तो स्थानीय देवता वो हैं, तो फिर आप मतलब जमलू ऋषि जी को भी मानते हैं? वो आपके मतलब स्थानीय नहीं है पर वो मानते हैं? मानते हैं, मानते हैं। जमलू ऋषि जी तो मेरे को लगता है स्थानीय देवता मलाना के ही, मलाना के ही है ना। यहाँ पे भी जैसे नोटिस लगा हुआ है भी आप मंदिर के अंदर नहीं जा सकते और वो विजिट नहीं कर सकते। गांव घूम लिया हमने और अभी वापस नीचे की तरफ जा रहे हैं, और नीचे हम शॉर्टकट लेके ही जा रहे हैं। और आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, नगर भी बहुत ज़्यादा अच्छा था और रुमसू उससे भी ज़्यादा अच्छा था। और यहाँ पे लोकल जैसे खेत वगैरह हैं वो भी लगे हुए हैं। सो दिस विलेज वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर डे ट्रिप फॉर मी। यस एंड फॉर यू? नो डाउट, ऑफ कोर्स, या फॉर मी आल्सो, इट वाज द बेस्ट थिंग। And the castle was also good, but this village is like wonderful. Yeah, the wonderful. Castle was great. I loved it. This, however, has a realness to it that is, it's like a living museum. ट्रेल बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी हुई थी, हमें सिर्फ 10 मिनट लगे ऊपर से नीचे आने के लिए, क्योंकि नीचे आना हमेशा आसान होता है, यहाँ से अपने ऊपर भी जा सकते हैं, हालांकि स्टीप है पूरा। तो ये शॉर्टकट है, यहाँ पे मतलब व्हीकल्स को रोकने के लिए एक जगह बनी हुई है, उसके जस्ट सामने ये शॉर्टकट है। अगर कोई शॉर्टकट से जाना चाहे, रोड से तो काफ़ी ज़्यादा लंबा पड़ जाता है, यहाँ से अब नगर का रास्ता होगा 15 मिनट और, क्योंकि अभी हमें रोड से 1 किलोमीटर और जाके नगर तक पहुँचना है। नगर के बस स्टैंड पर पहुँच चुके हैं, यहाँ पे आने में मेरे को 40 मिनट लगे इन दोनों के साथ, और अभी यहाँ से अपने को मनाली के लिए वापस बस मिल जाएगी। यहाँ पे नगर से मनाली के लिए बस सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी है। अभी ये एक बस है HRTC की, ये मनाली से ही आ रही है, तो कई सारी बसेस जाती हैं उधर के लिए, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो बस है ये रुमसू जाएगी, 5:30 बजे ये रुमसू पहुँचती है। मनाली अपने वापस पहुंच चुके हैं, बस हमें मिल गई थी, और अभी वापस मॉल रोड पे आए हैं। तो मॉल रोड पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, और 150 रुपये लगे वहाँ पे आने में, जाने में और म्यूज़ियम की टिकट में, और अच्छा दिन बीत गया। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए सफ़र के साथ।
What do you think about the architecture and the whole atmosphere here? It's quite beautiful. You can see the, you know, the original craftsmanship. Yeah. And somebody knew what they were doing. Yeah.